ए रसू। लाडो अपने बापू से बात ना करेगी? ना, पहले बोलो कि नहीं मासा ना लाओगे। रसू आपने एक छोरी दी है, छोरी पड़ेगी तो हजार सवाल ऐसे होंगे जो वो आपसे ना कर पावे, वो सवाल सिर्फ अपनी माँ से कर सके। आप ना बोल रहे हो, आप बावली लूट रही हो। अरे मारे बेटे का चांद सा मुखड़ा बिगाड़ दिया, दांत तोड़ दिया आपकी बेटी ने। जब मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। आप नहीं मां नहीं लाओगे ना, मुझे जरूरत नहीं है नई मासा की। जी मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। मुझे जरूरत नहीं है नई मासा की। जी मारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। चल बता जरा नई माँ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो बुरी होती है। किसने बोला? नई मासा तो बहुत अच्छी होती है, वो तुझे खूब प्यार करेगी। तू बदमाशी करती है ना, इसलिए बापू सा ने नई मासा लाने का सोचा। चल तेरी बदमाशी का कुछ तो फायदा हुआ। भाई साहब मैं शैतानी करती हूँ इसलिए बापू सा नई मासा ला रहे हैं? और नहीं तो क्या, उनको लगता है कि तेरी रोज रोज की बदमाशियाँ उनकी गलतियाँ हैं। अज्जू के दांत मैंने तोड़े थे, उमा को चौपाल चढ़ने की जिद मैंने की थी, तो बापू सा की क्या गलती है इसमें? मैं अभी बापू सा से बात करती हूँ। अरे रसू रुक, रसू। उनको लगता है कि वो तुझे संभाल ना पा रहे हैं। याद है ना उस दिन क्या हुआ था? सब लोग क्या कह रहे थे कि रसाल की माँ होती तो आज रसाल भी अच्छी बच्ची होती, इसलिए अगर नई माँ आएगी तो वो सबके मुंह बंद कर देगी क्योंकि वो तुझे अच्छी बात सिखाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। भाई साहब शैतानी की छोटी मोटी सजा दे दो ना, नई माँ से क्यों ला रहे हो? तू सच में बहुत बड़ी जिद्दी हो गई है, कोई बात नहीं सुनती है। एक तो बापू साहब वैसे ही परेशान हो रहे हैं, ऊपर से अगर तूने और चिढ़ करके उन्हें परेशान किया ना तो मैं तुझे यही छोड़कर चला जाऊंगा। भाई साहब आपको नहीं पता सौतेली में बहुत बुरी होती है। किसने बोला? किसने कहा तुझे? मैंने अगर उमा का नाम लिया तो उसकी सौतेली माँ उसे और डांटेगी। भाई साहब वो जो हरी वाली किताब है ना, उसमें सौतेली माँ के बारे में बहुत बुरा लिखा था। नहीं सच्ची, वो अगर आई तो हम दोनों को अलग कर देगी, वो बहुत बुरी होती है। अरे रोते नहीं ना, रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तुझे सिर्फ यही डर है ना कि वो सौतेली माँ हमें अलग कर देगी। चल तो ठीक है, मासा की कसम खा के कहता हूँ कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। तू अपने भाई साहब साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापू साहब को सौतेली माँ मत लाने देना। कैसे समझाओ भाई साहब ने, वो हमारी बात समझ ही ना रहे। कैसे रुकू बापू साहब ने कि वो माँ ना लाए? ये लो बेटा मिठाई खा लेना। मिठाई? आपके जन्मदिन की खुशी में आप मिठाई बांट रही हो? अरे नहीं छोरी, मारा नहीं, आज मारे पोते का जन्मदिन है।
जब मैं भगवान के मंदिर गई थी तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे पोता दे दो, तो भगवान ने मुझे पोता दिया, उसकी खुशी में बांट रही हूँ। सच्ची? हाँ। रानी को जो बोले वो सुन लेती है? हाँ। लेकिन वो रहती कहाँ है? मंदिर में। कौन से मंदिर में? ऊंचे पहाड़ों पर है, यहाँ से घनी दूर। अगर वो घनी दूर है तो मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ? भगवान तो कण कण में विराजमान है और महलों में भी। तू एक छोटे से पत्थर को उठा के भी मन से मांगेगी ना, तो भगवान तो थारी सारी बात सुन लेंगे। समझी बच्चा? दिल से कैसे कहते हैं? मैं तो मुंह से बोल दूंगी। मैं जा रहा हूँ अपने खेल को अंजाम देने। तू इस महंगे होटल के महंगे कमरे में बैठ के अपने सपने पढ़। मुंह नहीं, जालिम नाम होना चाहिए था थारा। तू भी छोड़ के जा रहा है? मुझे भी रिश्तेदार बना के ले चल उस गूंगी के गांव। मैंने भी रिश्तेदार बना के साथ ले चल। यहाँ बैठ चुपचाप, भीड़ ना इकट्ठी करनी मुझे वहां पे। ये कमरा थारे बिना जेल से भी बदतर है। लेके चल ना मेरे साथ में। लेके जाएगा ना? उस गूंगी के द्वार थारी बारा चढ़ने से पहले सरपंच साहब ने मारा प्यार का रंग ना चढ़ा दिया तो मारा नाम भी चकोरी ना। भगवान जी महाराज, वो मैं थोड़े से शैतान हूँ ना, इसलिए बापू साहब हमारे लिए नई मसाला ला रहे हैं। पर आज से कोई बदमाशी ना करूँगी, खूब अच्छी वाली बच्ची बन जाऊंगी, पक्की बात। आप तो सबकी बन्नत पूरी करते हो ना? नहीं बन्नत नहीं, क्या कहते हैं? हाँ मन्नत पूरी करते हैं ना। मन्ने भाई साहब के साथ रहना है, बस सौतेली माँ को रोक दो। सौतेली माँ अगर आएगी तो मन्ने भाई साहब से अलग कर देगी। रोक दो ना आप सौतेली माँ को, मेरी बात जरूर याद रखना। भगवान जी, रसाल ने मना लो ना कि हमारी नई माँ आ जाए।